Welcome friends to my channel. Please subscribe my channel, hit the bell icon, and don't forget to like and share my video with your friends. Thank you. Shalom. मत्ती की तहरीर में से डिवोशंस सुनने के बाद आमतौर पर जो सवालात मेरे सामने आए या मुझसे किए गए वो आपके जहन में भी पैदा हुए होंगे या हो सकते हैं, वो सवाल और उनके जवाबात सुन लीजिए। अवलन, क्या आप मिसियानिक हैं? अजीजो, मैं इंटरडिनोमिनेशनल हूँ, यानी मैं किसी एक चर्च का अकीदा नहीं रखता, बल्कि मैं सब के साथ मुसावी चलना चाहता हूँ और चलता भी हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें अपने चर्च या किसी एक कलीसियाई सोच, अकीदे या नज़रिए को परवान नहीं चढ़ाना, बल्कि यीशु की खुशखबरी फैलानी है। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं मिसियानिक फ़िरके से नहीं हूँ और ना ही मैं हिब्रू ग्रुप से हूँ। सानियन, आप लफ्ज़ शालोम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नाज़रीन ग्रामीण, लफ्ज़ शालोम अबरानी में सलाम के लिए बोला जाता है। असल में ये शालोम अलैकुम है, लेकिन मैं इसकी मुख्तसर शक्ल ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी बाइबल की ज़ुबानों से वाकफियत रखनी चाहिए। इसे सिर्फ बाइबल कॉलेजेस या सेमिनरीज तक महदूद न रखें, बल्कि इसको हर मसीही घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये हमारी बाइबल की असल ज़ुबानें हैं और हमें इनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक भाई ने जब ये मुझसे सवाल किया तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वो एक थियोलॉजिकल शख्स था, इल्म इलाही से लेस था। उसका मुद्दा सवाल ये था कि आम लोगों को चूंकि बाइबल की इतनी समझ बूझ नहीं है, इसलिए उनके सामने ऐसे लफ्ज या अल्फाज बोलकर हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो इससे ये भी मतलब उखज़ होता है कि हम अपनी काबिलियत साबित करते हैं। अजीजो, ना तो मेरा ऐसा कोई मकसद है और ना ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम चर्चेज में खड़े होकर आम लोगों को इल्म इलाही के बड़े बड़े भेद बता सकते हैं, तो क्या हमारा मकसद अपनी काबिलियत साबित करना होता है या उन्हें परेशान करना मकसद होता है? अगर हाँ तो मैं भी गलत हूँ, अगर नहीं तो फिर अगर वहाँ ऐसा कर सकते हैं तो बाइबल की ज़ुबान से भी थोड़ा बहुत उन्हें वाकिफ करवा सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये बाइबल की ज़ुबान है और बाइबल की ज़ुबानदानी से वाकफियत का हक हर शख्स को है। इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा तो है नहीं, बल्कि लोगों की ज़हनी तरक्की के लिए ही ये मैं करता हूँ। फिर अबरानी सलाम दुआ के इस्तेमाल से मुराद ये नहीं कि मैं अबरानी खिता प्रस्ती कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि अबरानियों की सकाफत को हमें अपना लेना चाहिए, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जहाँ बाइबल लातिनी से निकलकर दीगर ज़ुबानों में हमारे घरों तक पहुँची है और ये करना बहुत ज़रूरी था, उसी तरह हमें अपनी बुनियादी ज़ुबानों से आगाह होना भी ज़रूर है, यानी अबरानी और यूनानी ज़ुबानों से। अगर ये ज़ुबानें ज़रूरी नहीं तो फिर बाइबल कॉलेजेस और सेमिनरीज में भी इनका दर्स, इनकी तालीम बंद कर देनी चाहिए। अजीज़ो, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अबरानी ज़ुबान, जिसमें कलाम अकदस 70% से ज़्यादा रकम किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसकी तस्लीमात से ही हमें वाकफियत रखनी चाहिए। तराजुम या तर्जुमे इल्हामी नहीं, बल्कि असल अबरानी ज़ुबान में कलाम अकदस ही इल्हामी है। हमें अगर असल से वाकफियत पानी है तो मुकम्मल नहीं तो थोड़ा बहुत ही इस ज़ुबान से वाकफियत रखना शुरू करें। यकीन करें, आपको अच्छा भी लगेगा, खुशी भी पाएंगे और बरकत भी, क्योंकि तराजुम किसी भी ज़ुबान की मुकम्मल समझ बूझ नहीं देते। तराजुम में बात समझाई जा सकती है, लेकिन असल बात से वाकफियत नहीं करवाई जा सकती, और ये तभी मुमकिन है जब हम असल ज़ुबान से वाकिफ होंगे। अब रही बात कि मैं सारा लेक्चर अबरानी में क्यों नहीं करता, तो इसका सादा सा जवाब इस क्रॉस क्वेश्चन में है कि आप अंग्रेज़ नहीं हैं, लेकिन तकरीबन हमारे हर मसीही घर में सुबह, दोपहर और शाम में अंग्रेज़ी की दुआ सलाम बोली जाती है। क्या हमारे हर मसीही घर में अंग्रेज़ी में सारा दिन बात होती है?
क्या ये सवाल करने वाले साहिबान खुद अपनी बातचीत या सर्मन्स में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी बोलते हैं? नहीं, अगर हम अंग्रेज़ी जो परदेसी ज़ुबान है उसको इतनी अहमियत देते हैं तो अपनी मजहबी ज़ुबान से इतनी कदूरत क्यों? अबरानी ज़ुबान को अहमियत दीजिए। ये ज़ुबान सारी ज़ुबानों की माँ समझी जाती है। इससे मोहब्बत कीजिए क्योंकि तभी आप दुरुस्त और असल मतन को समझ सकेंगे। और इसके लिए आज से ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम दुआ सलाम करना सीखें और इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचिए। चहारम, आप यसु को यशु क्यों कहते हैं? हाजिर निगरामी, फिर वही असल ज़ुबान से नावाकफियत वाली बात है। हमारे दीन में उल्मा कराम ने मसीहियों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, जो उन्होंने बाइबल के तमाम नामों को भी आम अबारत की तरह तर्जमा करना शुरू कर दिया। ये बात हकीकत है कि हर ज़ुबान में अबरानी ज़ुबान के बहुत से अल्फाज मौजूद नहीं होते, इसलिए मुकम्मल अदायगी मुमकिन नहीं होती। इस मसले से बचने के लिए नामों को भी थोड़ा बहुत बदला गया है। लेकिन अजीज़ो, याद रखिए, नाम हर ज़ुबान में एक जैसे ही रहते हैं और रहने भी चाहिए। मेरा नाम वसीम है, इसे चाहे अंग्रेज़ी में अदा कीजिए या किसी और ज़ुबान में, यही नाम रहेगा। गो ये आम नाम है और गैर अहम है तो भी इसका ये हाल है। तो ख़ास नामों को तो इससे बढ़कर ऐसे ही रहना चाहिए था, ताकि वो अपनी असल साख्त को, असल माहियत को ना खोते। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं खुदावंद के बेटे के नाम की असल साख्त किसी तौर से कायम रखूं। हम मसीह खुदावंद को उर्दू में यीशु कहते हैं, जबकि अरबी में ईसा, इंग्लिश में जीसस और हिंदी में ईशु, इसी तरह दीगर ज़ुबानों में मुख्तलिफ तर्ज से खुदावंद को पुकारा जाता है। जबकि अबरानी में ये नाम यहोशुआ है, क्योंकि खुदावंद का नाम अबरानी में रखा गया, इसलिए उनके अबरानी नाम को ही हमें आम करना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ इस नाम को बोलने से कोई अजनबी समझ लिया जाता है, या फिर कोई अजनबी नाम समझा जाता है, या फिर कोई बिदत का टाइटल दे दिया जाता है, लिहाजा मेरी कोशिश है कि मैं इस नाम के नज़दीक तरीन नाम को इस्तेमाल करूँ। और यहोशुआ की नज़दीक तरीन सूरत जो है वो यीशु है, ना कि यीशु, क्योंकि यहोशुआ को हम यहोशुआ नहीं बोल सकते, लेकिन याशु बोल सकते हैं। बस यही वजह है कि मैं यीशु की बजाय यीशु इस्तेमाल करता हूँ। अजीज़ो, याद रखिए, तब्दीली सोच और अमल से वाकया होती है, सिर्फ किताबों में बंद करने से तब्दीली नहीं इबारत होती। हमें आज अपने स्कूल्स और क्रिश्चियन कॉलेजेस में बाइबल की ज़ुबानों को आम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाली नस्ल इनसे बेखबर ना रहे। मेरी दुआ है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश बहुत फल लाए। आमीन। सलामत रहें।